गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए क्लास LKG सब्जेक्ट इंग्लिश, इसमें दिए गए हैं स्मॉल राइटिंग लेटर्स, छोटे लिखने वाले अक्षर। इसमें हमने लिखकर आपको दिखाया है और आपको इन्हें देख करके लिखना है, लेकिन ध्यान रहे जो अक्षर जो लेटर जिस प्रकार से बना है आपको उसी प्रकार से बनाने का प्रयास करना है। तो इसमें कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो थोड़ा कठिन होते हैं बनाने में, तो उनको हम कैसे बनाएंगे ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें जैसे दिया गया है एफ़, तो एफ़ कैसे लिखेंगे, यहाँ से पेंसिल रखेंगे और ऊपर की ओर ले जाएंगे ऐसे, और फिर नीचे लाएंगे इस प्रकार से, और यहाँ से ऐसे छोड़ देंगे, तो इस प्रकार से एफ बन जाएगा। जी मान लीजिए कैसे बनाना है, तो जी बनाने के लिए आप जैसे इसको देखेंगे, देख करके ही बनाएंगे, हम आपको बना करके दिखा रहे हैं इसके पास में लिख करके कैसे बनेगा। यहाँ से पेंसिल रखेंगे, इसको ऐसे इतना गोल करेंगे और फिर नीचे ले जाएंगे और यहाँ से ऊपर की ओर ले आएंगे, बस ये इस प्रकार से जी बन जाएगा। और एच है, आई है, जे है, के है, एल है, ये सरल हैं। के थोड़ा देख लीजिएगा कैसे बनेगा, यहाँ से पेंसिल रखेंगे और ऊपर की ओर ले जाएंगे और फिर नीचे आएंगे और यहाँ से फिर ऊपर जाएंगे और आधा इस प्रकार से आधा गोला और यहाँ से एक छोटी सी रेखा यहाँ तक लाएंगे, बस इस प्रकार से के बन जाएगा। एल बनाना तो बहुत ही आसान है, सीधा सा है, एल यहाँ से ले जाएंगे ऐसे और ऐसे घुमा देंगे। तो इसके बाद में एम जैसे दिया गया कैसे बनाएंगे, एम के लिए यहाँ पर हम पेंसिल रखेंगे और ऊपर की ओर ले जाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे और यहाँ से फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे लाएंगे पेंसिल घुमाते हुए और फिर यहाँ से एक बार और इस प्रकार से ऐसे छोड़ देंगे, इस प्रकार से एम बन जाएगा। एन कैसे बनाना, यहाँ से प्रारंभ करेंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे, फिर नीचे से ऊपर की ओर, फिर यहाँ नीचे ला करके छोड़ देंगे ऐसे, तो ये एन बन गया। पी कैसे बनाएंगे, पी जो है यहाँ से प्रारंभ करेंगे और ऊपर की ओर ले जाएंगे, फिर नीचे ऐसे और यहाँ से फिर ऊपर की ओर और ये इस प्रकार से ऐसे छोड़ देंगे, ये आपका पी बन गया। पी जो है चारों लाइन में बनता है, ये भी ध्यान रखें कौन सा लेटर कितनी लाइन्स में बनता है। कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो दो लाइनों के मध्य में बनते हैं, कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो तीन लाइनों में बनते हैं, और उनमें से कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो चारों लाइन में बनते हैं। तो स्मॉल राइटिंग लेटर्स में दो ही इसमें लेटर ऐसे हैं जो चारों लाइन में बनते हैं, जैसे एक आपका ये एफ हो गया और एक आपका ये पी हो गया। इस प्रकार से क्यू बनाएंगे, ये भी सिंपल है, आर जो है ये भी सिंपल है, एस थोड़ा समझ लीजिए कैसे बनाएंगे, एस जो है यहाँ से प्रारंभ करेंगे और ऐसे इसको घुमाते हुए यहाँ ऐसे छोड़ देंगे, ये एस बन गया। यू सरल है, यू यहाँ से प्रारंभ करेंगे, ऐसे ऊपर की ओर जाएंगे, फिर नीचे और यहाँ से फिर ऊपर, फिर नीचे ऐसे छोड़ देंगे, यू बन गया। वी यहाँ से प्रारंभ करेंगे ऐसे और ऐसे ऊपर जाएंगे और ये हल्की सी रेखा छोड़ देंगे बना करके। डब्ल्यू भी ऐसे इसी प्रकार से बनेगा, यहाँ से प्रारंभ करेंगे और ऐसे ये इस प्रकार से। एक्स बनाना है तो एक्स कैसे बनेगा, यहाँ से प्रारंभ करें ऐसे गोल कर दें और यहीं से फिर ऐसे ऐसे रेखा इसमें जोड़ दें, मतलब आधा गोला इधर साइड का और आधा गोला इधर साइड बना करके, और मध्य बिंदु में दोनों आधा गोला इधर और आधा गोला इधर बने, लेकिन दोनों जो है बीच में यहाँ पर मिलने चाहिए, यानी दोनों रेखाएं आपस में इधर बीच में मिल जाएं, तो इस प्रकार से ये एक्स बन जाएगा। तो इसके बाद में आगे वाई बनाना है, तो वाई तो बहुत सिंपल है, यहाँ से प्रारंभ करेंगे ऐसे और नीचे की ओर ले जाएंगे और इस प्रकार से ऐसे। जेड बनाना है तो इस प्रकार से ऐसे बना देंगे जेड। तो इस प्रकार से ये अक्षर जो हैं आपके सरल हैं, सिंपल हैं, थोड़ा ध्यान देकर बनाएंगे तो आपके अक्षर सही बन जाएंगे। ध्यान रहे लाइंस का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें, कौन सा लेटर कितनी लाइन में बनता है इस पर विशेष ध्यान दें। अक्षरों को पहचानने के लिए एक बार हम आपको बता रहे हैं कि इस अक्षर को कैसे बोलते हैं। जैसे यहाँ से प्रारंभ करें तो ये लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड।
इस प्रकार से इनको अक्षरों को आप लिख करके और इनका सस्वर वाचन करेंगे, मतलब बोल बोल करके इसको तेज बोल करके पढ़ेंगे ताकि ये अक्षर आपको अच्छे से याद हो जाएं।